तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, या 1-2-3 जितने भी मार्क्स के आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना अगर आप केमिस्ट्री के एग्जाम देने जा रहे हो, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो। तो इस वीडियो में आपको 15 से 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिनके अगर आप आंसर याद कर लेते हो शायद ही आपका कोई ऐसा क्वेश्चन छूटेगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सारे के सारे हिंदी मीडियम में होने वाले हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस का इंग्लिश वर्जन चाहिए, इंग्लिश में कन्वर्जन चाहिए, तो मैं उसका भी वीडियो बना करके डाल दूंगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका इंग्लिश कन्वर्जन देख सकते हो। तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ब्रैग समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स के आ सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रैग समीकरण लिखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राउल्ट का नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोलरता क्या है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वैसे तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद निकाले हुए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर याद करके ही जाने हैं। अगर आप केमिस्ट्री में 90% चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो ये सारे क्वेश्चन पक्का याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के भी 2 नंबर में आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो पक्का याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्ट चालकता क्या। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये वाला, तो इसका आंसर पक्का याद करके जाना। इसके बाद अर्ध आयु से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 हार्डी सुलझे का नियम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, टिंडल प्रभाव क्या है। तो ये 4-3-4 से लेकर के 8वें क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के एग्जाम में 2-2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आने वाले वो इन क्वेश्चनों में से पक्का आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इनके आंसर आप पक्का याद करके ही जाना है आपको एग्जाम देने से पहले। स्वर्ड संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और इनका इंग्लिश कन्वर्जन का वीडियो भी मैं डाल दूंगा, तो वो आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नाइन है, नीले थोते का सूत्र लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्गन का एक उपयोग लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। संक्रमण तत्वों की परिभाषा लिखो, आपको डेफिनेशन लिखनी है संक्रमण तत्व क्या होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 11वां और 12वां। और कीलेट क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इन सब के आंसर याद कर लेते हो तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां है, DDT बनाने की विधि लिखो। तो फ्रेंड, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, फिनोल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, इसका आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, ईटाड अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में मिल जाएगी, तो दोनों को आपको याद करके जाना है एग्जाम देने से पहले। इंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए, एमीन की प्रकृति लिखिए, और न्यूक्लिक अम्ल क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, न्यूक्लिक अम्ल वाला ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पक्का याद करके जाना है एग्जाम देने से पहले। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाओ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इस क्वेश्चन को आपको पक्का याद करके जाना एग्जाम देने से पहले, ये आपको 2 नंबर दिला जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, 21वां क्वेश्चन है, निम्न को समझाओ, प्रशांतक क्या होता है, प्रतिजैविक क्या होता है, खाद्य प्रतिरक्षक क्या है। तो ये 3 के 3 ऐसे टॉपिक हैं, तीनों को आपको 100 नोट लिखने को आ सकता है, बहुत आपको इसमें 4-4, 5-5 लाइन लिखनी है, वो लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। तो इन तीनों को पक्का याद कर लेना, तीनों में से कोई आपको 1-2 मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन बताए जिनमें से आपके बोर्ड के एग्जाम आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो इनका आंसर एग्जाम देने से पहले पक्का याद कर लेना। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।